तो आदिपुरुष के टीम ने हनुमान जी की एक पोस्टर निकाली थी, आई थिंक कुछ दिन हो गए उस पोस्टर को निकले हुए, और मैंने एक पोल डाला था कि उस पोस्टर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो आप लोगों ने बोला कि शायद मेरा व्यू पॉइंट भी आप लोग सुनना चाहते हो। तो मैंने एक बार सोचा कि शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं, लेकिन शॉर्ट्स के लिए कुछ बातें होती है जो इतना जल्दी जल्दी में ऐसे मिसकम्युनिकेट हो सकता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के डाल लेता हूँ। एंड आई थिंक मुझे ऐसे प्योर ग्राफिक डिजाइनिंग वाले वीडियोस मेरे दूसरे चैनल में ही डालने चाहिए, बट देखते हैं कि क्या होता है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हनुमान जी का पोस्टर फ्रॉम आदि पुरुष। स्टे ट्यून्ड। पता है मुझे रिसेंटली ना इतने सारे कमेंट्स आए कि मैं गंजा हूँ, मैं टकला हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कैप पहनता हूँ। लेकिन देखिए, मैं टकला या गंजा नहीं हूँ, मुझे बस कैप्स पहनने पसंद है। और देखते देखते ना मेरे पास ऐसे बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ कैप्स हो चुका है, लाइक दिस कैप फ्रॉम रेड वुल्फ। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर एक्चुअली वेरी नाइस कैप्स। इसीलिए मैंने इस कैप को इधर पास में रखा था, सो दैट आई कैन वेयर दिस कैप एंड मेक दिस वीडियो। एंड उनके जो कैप्स है ना, दीज आर लाइक रियली सॉलिड, मतलब ये ऐसे हल्के वाले कैप्स नहीं है। एंड नॉट ओनली कैप्स, इफ यू गो विजिट देयर वेबसाइट, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको बहुत सारे दूसरे आइटम्स भी मिलेंगे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, वो लोग ना पॉप कल्चर के ऊपर बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस बैटमैन टी शर्ट। लाइक दिस वॉज लाइक द बेस्ट बैटमैन कॉस्ट्यूम फ्रॉम DCEU, और उसका जो टी शर्ट है, इट लुक्स कूल। एंड इफ यू आर नॉट इन टू पॉप कल्चर दैट मच ऑल्सो, तो उनके पास ना बहुत सारे रेगुलर यूज टी शर्ट भी है, जस्ट लाइक दिस कैमोफ्लॉज टी शर्ट, जिसको आप ट्रैकिंग में या फिर जिम में पहन सकते हो। एंड जो सबसे अच्छी बात है ना रेड वुल्फ के बारे में, कि उनका लोगो भी बहुत कैची है, जस्ट लाइक इन दिस कैप। ये एक ऐसा लोगो है ना जो आप अपने कपड़ों में दिखाना चाहोगे, एटलीस्ट आई फेल्ट गुड वेयरिंग दिस। तो आप लोग पूछते रहते हो ना कि कैप का लिंक दो, कैप का लिंक दो, तो इस बार मैं अपने कैप्स का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाके चेक कीजिए। और अगर आपको भी कैप्स या टी शर्ट खरीदना है, देन गो विजिट रेड वुल्फ नाउ। तो अब वापस आते हैं आदि पुरुष के हनुमान जी के पोस्टर के ऊपर। तो देखिए, मैक्स क्रिएशन ने ना ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इस पोस्टर के ऊपर। इनफैक्ट उन्होंने इस पोस्टर को रिक्रिएट किया है, और उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली हैं जो इस वीडियो में भी रिपीट होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो सेम सेम है ना, मतलब वो अगर बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो ऐसे कॉपी कर रहा है तो ऐसे कमेंट करने से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इस पोस्टर से सीख सकते हैं। ओके, नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, लेकिन देखिए अभी क्या है ना कि अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे, तो ये पोस्टर ना एक बेटर पोस्टर्स में से है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि इससे भी खराब हो सकता था, लेकिन उतना खराब नहीं है। एंड अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो आपको पता होगा कि मुझे ना इंडिविजुअल कैरेक्टर पोस्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने मूवी के लिए भी सिर्फ इंडिविजुअल पोस्टर्स ही निकाले थे। एंड अगेन, क्रेडिट इज वेयर क्रेडिट इज ड्यू, कि मुझे लगता है कि ये ना एक रियल शूट है। जो पुराने पोस्टर में जो इशू था ना, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके वो पोस्टर को बनाया था। बट अभी आई वुड लाइक टू गिव द टीम द बेनिफिट ऑफ डाउट, कि मुझे लगता है कि ये एक प्रॉपर शूट है, क्योंकि ये जो धागा है ना, इस धागे का जो टेक्सचर है, जो फ्लो है, वो ऐसे रिक्रिएट करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट मुश्किल है। मतलब जो बिहेवियर एक रियल धागा करता है, उसको रिक्रिएट करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट रियल शूट के बाद ना जो लिक्विफाई किया गया है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, लिक्विफाई करना कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू मेंटेन प्रोपोर्शंस। बट यहाँ पे क्या हो गया ना, उन्होंने करते करते मतलब ऐसे भावनाओं में बह गए, और उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लाइक जो हनुमान जी को जो एक्टर प्ले कर रहे हैं, देवदत्ता नागे, तो देखिए वो ना एक्चुअली में बहुत फिट बंदे हैं, मतलब वो वर्कआउट करते हैं और उनकी बिल्ड काफ़ी बड़ी है। बट यहाँ पे देख के ना, ये पोस्टर में देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लेग डे मिस कर दिया। अपर बॉडी को इतना लिक्विफाई किया है, इतना बड़ा बना दिया, कि नीचे का पार्ट ना ऐसे छोटा लग रहा है। इनफैक्ट मैक्स क्रिएशन के वीडियो में आप देखोगे कि उन्होंने लोअर बॉडी को ना बड़ा करके थोड़ा प्रोपोर्शनेट भी कर दिया है। सो आई एक्सपेक्टेड कि ये जिन्होंने पोस्टर बनाया, जिन्होंने ऑफिशियल पोस्टर बनाया, उनको ही करना चाहिए था। फिर जो दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग, बट उनका जो फेस है, मतलब द चॉइस कि उनके फेस को मेकअप नहीं किया जाएगा एंड थोड़ा ऐसे फुला के वो एक्टिंग करेंगे, आई होप कि इस फिल्म में ना इस चीज़ का अच्छा एक लॉजिक बताया जाए कि क्यों ऐसा है। आई जस्ट होप कि इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन रहे, वरना इट लुक्स फनी। फिर ये जो साइड से लाइटनिंग इफेक्ट है ना, जो लाइटिंग आ रहा है, दिस इज़ टेस्टफुल, बट मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। लाइक पर्सनली, ये मेरा पर्सनल थिंग है कि अगर मुझे कभी ऐसे
लाइटिंग किसी और से लाना होता है ना, तो आई प्रीफर टॉप लाइटिंग हमेशा, स्पेशली इन कैरेक्टर पोस्टर्स मुझे टॉप लाइटिंग ही ज़्यादा पसंद है। दिस ऑल्सो वर्क, दिस नॉट बैड, बट दिस इज़ नॉट अप टू माई टेस्ट। अब हनुमान जी का जो पोस्चर है, इनफैक्ट मैक्स क्रिएशन उन्होंने भी इसका एक सैम्पल दिखाया था, रेफरेंस दिखाया था कि कहाँ से ये पोस्चर लिया गया है शायद, लेकिन आई फील कि ये हनुमान जी का बहुत ही एक कॉमन पोस्चर है। कि जो हनुमान मूवी का जो टीज़र आया था उसमें भी लास्ट में जब फ्रोजन हनुमान जी को दिखाते हैं ना, तो वो हनुमान जी भी एग्जैक्ट इसी पोजिशन में, इसी पोस्चर में बैठे हुए हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई कॉपीड पोस्चर है, दिस इज़ एन आइकॉनिक, मे बी आइकॉनिक इज़ द वर्ड आई फील। बट जो इस पोस्टर का एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो पोस्टर के ना इस कोने में शुरू होता है, लाइक द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे ना उनका जो पूंछ है उसको कंपोज किया गया है डेफिनेटली। बट देखिए यहाँ पे ना एक फ्लेयर भी यूज़ किया गया है, एंड वो फ्लेयर ना इस पूंछ के पीछे है, मतलब उनका लेयर इस पूंछ के पीछे रह गया। एक्चुअली फ्लेयर ना पूंछ के ऊपर रहना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक ना ये थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, और आपके आंखों को ना वो सूदिंग नहीं लगता, इट्स लिटिल बिट डिस्टर्बिंग, मतलब मे बी आपका ध्यान भी नहीं गया होगा लेकिन आपका ब्रेन ना इस चीज़ को समझ लेता है। और ये जो फ्लेयर है, ठीक है, इस फ्लेयर को देखिए आप, अभी मैं ना थोड़ा से नीट पिकिंग के कैटेगरी में जा रहा हूँ, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो फ्लेयर है, देखिए जब भी आप किसी भी मेटेलिक चीज़ में फ्लेयर डालते हो ना, जो मैं बहुत करता हूँ, तो हमेशा फ्लेयर, मतलब जो ये सन फ्लेयर होता है, किसी भी लाइटनिंग का फ्लेयर होता है, ये हमेशा ना मेटेलिक सर्फेसिस से आएगा, ये कभी भी रबर या लेदर से ये शाइन नहीं आएगा। मतलब अगर आपके पास एक स्टिक है तो स्टिक के मेटेलिक पार्ट से वो शाइन आएगा, अगर उस स्टिक में कोई रैप है तो वहाँ से वो शाइन नहीं आएगा। जैसे कि मैंने नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बहुत पुराना पोस्ट बनाया था जब वो जीत के आए थे, तो उस पोस्ट को अगर आप देखोगे ना, तो उस पोस्ट में भी मैंने एक मेटेलिक शाइन डाला है, लेकिन वो ना ग्रिप के ऊपर है, दिस इज़ नॉट इन द ग्रिप। लेकिन यहाँ पे आप देखिए उनका जो शाइन है ना, दिस इज़ एग्जैक्टली ऑन द ग्रिप, विच इज नॉट राइट। जब आप मेटल में डालोगे ना शाइन, तो हमेशा मेटल में ही डालो, किसी और पार्ट में नहीं। और इसी फ्लेयर का देखिए अभी क्या होता है ना, कि दीज पोस्टर्स आर फोटोशॉप मार्वल्स, राइट। एक्चुअल फोटो शायद कुछ अलग ही था, उसके ऊपर इतना पेंटिंग किया गया है, इतना कंपोजिशन, इतना एडिटिंग किया गया है कि ये पोस्टर ना काफ़ी अलग होके ही निकली है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, कि जब एक डिज़ाइनर एक ऐसे पोस्टर पे, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो ढेरों लेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो लेयर्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, कि कभी कभी ग्रुप बनाते हैं, कभी कभी लेयर्स को मर्ज करते हैं। तो उन्होंने ना ये फ्लेयर को डाला इधर, एंड मे बी शायद उसके बाद ना उस फ्लेयर को उन्होंने मर्ज कर दिया या क्रॉप किया, कुछ तो किया होगा। एंड देन फाइनल एडिटिंग में उन्होंने ना फ्लेयर को थोड़ा सा साइड कर दिया, मतलब एकदम दो तीन पिक्सल उन्होंने साइड कर दिया, एंड हियर यू कैन सी अ क्लियर लाइन इन द पोस्टर। तो जब मैंने ये पोस्टर में देखा ना, मुझे लगा कि ये शायद कट में गलती हो गया होगा, या फिर ये ऑफिशियल पोस्टर में नहीं रहेगा शायद। फिर मैं उनके इंस्टाग्राम में जाके देखा, उनके इंस्टाग्राम में उनके ऑफिशियल अपलोड में ये चीज़ है। सो दिस इज़ अ क्लियर मिस्टेक। एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे मिस्टेक्स ना क्यों होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे क्रिएटिव जॉब में जो विजुअल जॉब होता है, उसमें एक चीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, ये एक, मतलब जब आप एक चीज़ को बहुत बार देखते हो, काम करते हो ना, आपको उसकी गलतियाँ दिखनी बंद हो जाती है। मैं एक टाइम पे मैगज़ीन डिज़ाइन करता था, मैगज़ीन का मैं लेआउट आर्टिस्ट था, तो ऐसे 83 पेजेस का मैगज़ीन था, जो महीने में, मतलब 11 दिनों में हमें 83 पेजेस का मैगज़ीन बनाना होता था। और मैं इतनी बार उतने सारे पेजेस को देखता था ना, कि मुझे अगर एक पेज खाली भी रहेगा ना, वो मुझे दिखेगा ही नहीं। वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, एंड दिस इज़ द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर सुपरवाइजर्स, फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स। इसलिए क्रॉस चेक किया जाता है, मतलब हमेशा क्रॉस चेक करने के लिए ना कोई सीनियर या एटलीस्ट कोई टीम मेंबर आपको चाहिए, कि आपके डिज़ाइन को देख के ना वो गलतियाँ बताए, फ्रेश आई, फ्रेश पर्सपेक्टिव। और अगर आपके पास वैसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कि जब आप डिज़ाइन बना लेते हो, उसके बाद ना उस डिज़ाइन को फाइनली एक बार फ्लिप करके देखो, तो आपको ना उस डिज़ाइन की गलतियाँ दिखेंगी, आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिखेगा। सो दिस इज जस्ट अ टेक्निक, एंड दिस इज जस्ट नो हाउ ऑफ थिंग्स, जो हम लोग इस पोस्टर से सीख सकते हैं, एंड कुछ गलतियां जो अपने काम से हम लोग सुधार सकते हैं। और जब मैं इस पोस्टर के बारे में ऑफिस में डिस्कस कर रहा था ना, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखी, लाइक दिस बीड्स आर फ्लैट, शेडो में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें। बट ये सारी ना नीट पिकिंग है, कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर मेरे टीम को या फिर मुझे भी ये काम आता ना, आई डोंट नो कि कितने प्रेशर में है या फिर क्या क्या चल रहा है अंदर, मुझे कुछ नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग भी ओके करके भेज देते हैं यार, इतना माथापच्ची नहीं होता है। तो
वही है कि हेट नहीं फैलाते हैं, जो काम किया है इससे खराब हो सकता था, अच्छा है, कुछ चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो आई डोंट नो इफ इट इज क्रिटिसिज्म और जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, बट इतना ही था आज के वीडियो के लिए। आई थिंक थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे जितना लास्ट वीडियो को भी दिया था। एंड आई होप वी आर डन टॉकिंग अबाउट आदि पुरुष। अब जब मूवी रिलीज होगी तभी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, दिस वॉज शमीम, यू वॉचिंग की बाकी भी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बाय द वे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच। See you in the next video.